ऐसा न लग जाए। तुझे इतना सवरने की क्या जरूरत है? क्या प्रॉब्लम है? क्या गलत किया मैंने? इसके बाद तो मेरी ही शादी है ना, इसीलिए सिर्फ चेक कर रही थी। अरे पागलो जैसी बातें मत कर, चल गहने उतार, पूजा का टाइम हो रहा है। अच्छा दीदी, तुम्हें जाने के लिए अभी टाइम है ना, तो तुम अभी सब ना बैग क्यों पैक कर रही हो? ओहो, हनीमून के लिए क्या? बस क्या दीदी, आप पैकिंग का टेंशन बेकार में क्यों ले रही हो? ये ले, तूने उस लड़के को देखा है? तुम शादी करने वाली हो ना, इसलिए मैंने उसे नहीं देखा। उस दूल्हे को तूने अपनी आंखों से देखा है क्या? कैसा भी हो, क्या फर्क पड़ता है, मेरे लिए शादी जरूरी है। तुझसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि मैं ही बेवकूफ हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ। हे, घर छोड़कर भाग रही हो क्या? हाँ। कसम से? हाँ, लेकिन क्यों पूछ रही है? ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम चली गई तो उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहेगा। हाँ तो उनके साथ मेरी शादी करवा देंगे ना? ए, पागल हो गई है? जो तू शादी करेगी उससे? कोई भी रहने दो, मेरे लिए शादी इम्पोर्टेंट है। तेरी मर्जी। ए, ए, उधर से मत जाओ, वहाँ चाचा है, इधर से जाओ। यस! इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। कोई गड़बड़ नहीं है, मैं ही जीतूंगा। पत्ते फेंको। क्या हुआ भाभी? आपके भाई को देखो, बेटी की शादी हो रही है और ये पत्ते खेल में व्यस्त है। अरे वो तो ऐसे ही खेल रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। वैसे गौरी पूजा का समय हो रहा है, बिटिया रेडी है ना? नहीं पता, अभी देखती हूँ। जी हाँ। शो। चाचा जी, सही वक्त पे बताया इसलिए बच गए, अगर ये ना होती तो आज हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। गहने तो बहुत भारी है मौसी। संभाल कर, सारे मेरे गहने हैं। दीदी कहाँ है? वो साड़ी कहाँ है? मिल नहीं रही है। हाँ? दीदी घर से भाग गई है। ये क्या बात कर रही है तू? भाभी, गौरी पूजा का समय हो रहा है, लेट क्यों कर रही है, जल्दी चलिए। और क्या लेट होगा बेटा, बड़ी वाली घर छोड़कर भाग गई है। अरे क्या हुआ? सब अपना ही प्लान है। ऐसा क्यों? उनको पता चल गया तो सोचो क्या होगा। कुछ नहीं होगा भाभी, अगर वो भाग गई तो इससे शादी कौन करेगा? लेकिन ऐसा क्यों? बेवकूफ, ऐसी लड़की के घर में कौन शादी करेगा? तो क्या मेरी भी शादी कभी नहीं होगी? इस जन्म में तो कभी नहीं। भैया सुनने के चिल्लाइए मत। चाचा जी, दीदी कहाँ गई है मैं आपको बताती हूँ। चाचा जी प्लीज, चाचा जी मुझे शादी मंजूर नहीं। शादी नहीं करनी थी तो पहले इनकार कर देती, शादी रुकी तो भैया की इज्जत डूब जाएगी, इससे पहले उनको पता चले तुम चलो यहाँ से। प्लीज चाचा जी, चाचा जी प्लीज, प्लीज चाचा जी प्लीज। इसकी शादी तो हो गई, अब मेरी लाइन क्लियर। तुम्हें कल जो साड़ी पहनी थी वो क्या है? ये मैंने नया रिंगटोन सेट किया है। मुझे भी वैसी एकदम सोने जैसा दूल्हा है हमारा। हर कोई यही सोचता है लेकिन सिर्फ बोलता है, सोना नहीं देता। मैं सोना सोना रिंगटोन लगाऊं क्या? तुझे रिंगटोन सेट नहीं करना है, सावित्री को सेट करना है। वो मुझसे पटेगी क्या? बत्तीसी दिखाएगा तो कभी हाँ। नहीं पटेगी, मेरे कहे मुताबिक चल। ए, मेरे पास एक प्लान है, ससुर जी को पटा लूंगा हाँ। तो बेटी अपने आप पट जाएगी। कोई काम नहीं कर सकता, जाकर देखो उधर क्या हो रहा है। चलो हुआ भैया, मौका अच्छा है, सावित्री के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता देख लें। अरे अभी तो बड़ी बेटी की शादी हुई है, कुछ साल रुक, उसकी भी हो जाएगी। हाँ जी। अरे बोलो ना,
बेटा रहने दे, 35-40 साल की होने के बाद इसकी शादी करवाएंगे। क्या माँ? अरे बेटी की शादी के लिए अच्छा लड़का भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसे कैसे कर दे? ढूंढेगा तो मिलेगा ना। हमारे बाजू वाला सारथी अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उनकी खेती का काम भी हम लोग ही देखते हैं, बहुत अच्छा परिवार है भैया। अरे लेकिन अभी के अभी कैसे कृष्ण? क्या बात हो रही है? कुछ नहीं, सावित्री के रिश्ते की बात चल रही थी। अरे बात आप तक पहुंच गई क्या? हाँ वो कृष्णा बता रहा था कि। कृष्णा का मतलब? वो तो महान है, उन्होंने जैसा कहा वैसा ही कीजिए। आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, सावित्री की शादी उनसे हो रही है, इन्हें कैसे पता चला? ये क्या रॉन्ग कनेक्शन? मेरा सिम तो नया है। इतना क्या सोच रहे हैं भैया, समाना बहुत खराब है, पता नहीं किसके दिमाग में क्या चलता रहता है। भाभी कह रही है ना अच्छा रिश्ता है, एक बार मिल तो लीजिए। चलो ठीक है, जब सब लोग कह रहे हो तो उसी से रिश्ते की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कट गया, क्वालिटी नहीं सुनाई दिया। हो जाए इसके लिए बुड्ढी शिरडी मन्नत मांगने के लिए जाने वाली है, हमें भी जाना है, बैग पैक करो। बहुत मजा आएगा। दादी ने बताया तुम लोग शिरडी जाने वाले हो ना मन्नत मांगने के लिए। अभी तो गांव बदल रहा है, फिर हवा भी बदलेगी और तुम्हें भी बदलने वाला एक दिन आ ही जाएगा, तब तुम्हारे हिसाब से शादी नहीं होगी और ना ही दादी के हिसाब से, वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। ऑल द बेस्ट। सती कैसा होगा वो? दीदी ये क्या है? कल की बात माँ को बताई तो तुम्हारा खून कर दूंगा। तूने जो किया अगर वो सुनेगी तो तेरा खून कर देगी। मामा ज्यादा मत बोलो। नहीं रुकूंगा और बोलूंगा। क्यों भैया, ये पार्टी में नहीं जाना चाहता था तो क्यों लेकर गए इसको? इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे बेटे से दूर रहना चाहता हूँ, तो मैंने 10 दिन का ट्रिप प्लान किया है, यही बताने आया था। गलती से भी मेरे साथ आने की कोशिश मत करना। एक काम करो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा बोर्ड गले में टांग कर घूमो। लाइफ में पहली बार अच्छा आइडिया दिया है, थैंक यू। ये लो पकड़ो, कंटिन्यू। शिरडी जाने वाले इधर आओ, फ्रेंडली ट्रेवल्स, आओ इधर आओ। उस समय सब कुछ रेडी है ना? सब रेडी है सर। माइक ओके है ना? एकदम ओके है सर। वेलकम टू फ्रेंडली ट्रेवल्स, वाइजैग से शिरडी जाने वाले सभी यात्रियों का मैं स्वागत करता हूँ। ये 2 दिनों का सफर है, इस सफर में आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए रंगा एंड गंगा म्यूजिकल ग्रुप को अपॉइंट किया गया है। प्लेटफॉर्म पे नहीं, ट्रेन में गाने की परमिशन ली है। फ्रेंडली ट्रेवल्स को 2002 में स्थापित किया गया। बहुत मुश्किलों से हमने इस ग्रुप की शुरुआत की और आज। ओ भाई आप इतना बकवास क्यों कर रहे हैं, बस नंबर बताइए हम जाके बैठे। इसके ब्रेकफास्ट में कॉकरोच डालो। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक कहा सर। और एक जरूरी बात है, इस फोटो में दिखने वाले इंसान का और हमारे मैनेजमेंट का कोई संबंध नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम वाले और हाई बीपी वाले आदमी इस व्यक्ति से दूर रहे, ऐसा हमारा निवेदन है। आपका शुभचिंतक फ्रेंडली ट्रेवल। ये फोटो वाला गाड़ी में चढ़ रहा है क्या? वो गाड़ी में चढ़े चढ़ के कोई गड़बड़ करे इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात को गांठ बांध दो। इसका बकवास नहीं बंद होगा, चलो सब गाड़ी में चढ़ो। इसके बिस्तर में खटमल डाल दो। तेरा भला हो बाबा, अरे तेरा भला हो बाबा, अरे धीरे धीरे चढ़ो। हो गया, धक्का क्यों मार रहे हो? चलो ना, उसे तकलीफ है तो उसे साथ क्यों रखा है? आदमी 10 दिन सिगरेट पीले तो उसे छोड़ नहीं पाता, मैं तो उसे 10 महीने से देख रहा हूँ, कैसे छोड़ सकता हूँ? बाप रे, सेंटीमेंट उठ नहीं रहा, जोर से उठाओ। 7, 8 और ये 9। सुनो हारमोनियम, लोअर बर्थ, ढोल बाजा, तुम्हारा अपर। और हमारी लेडीज हमारे सर के साथ रहेगी। वो रास्ते में खड़ा रहता है। मैं रास्ते में कहाँ खड़ा था? अरे रुक ना यार, बात कर रहा हूँ। इतनी भारी चीज मैं नहीं उठा सकती। इतना सामान दिख नहीं रहा, कैसे पकड़ूं मैं? चुपचाप पकड़। और ये सावित्री कहाँ रह गई? बाप रे,
पे पाए। सावित्री बेबी, गाड़ी चल पड़ी है, आ जाओ बेबी। छूट जाएगी ट्रेन। सती बेबी सॉरी 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 बेबी, अवतारम जी, अवतारम जी। अवतारम नहीं, जस्ट अवतार। यार तूने बताया नहीं से? अवतार। अरे वो सब रहने दो यार, 54 तक आने वाले बेबी 52 से पहले ही गायब हो गई। क्या हुआ? 52 से पहले गायब हो गई। हाँ मैं समझ गया। मतलब? प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी है। तुम भाग रही थी तो मैं गिर गया जी। कहाँ जाना है? S2 क्यों जा रही हो? मेरे दिल के अंदर आ जाओ ना, वहाँ की बर्थ एकदम खाली है, खूबसूरत पैसेंजर का इंतजार है। करवा दूं रिजर्वेशन? ट्रेन छूटने से बचा लिया, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू जी। अरे मेरा दिमाग खराब होते जा रहा है, बेबी कहाँ है अवतारम जी? सती बेबी आ गई। और प्रॉब्लम भी? मामा तुम भी इसी ट्रेन में हो? ओवर एक्टिंग देखा? बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई मामा। तुम आ गए ना, मैं हैप्पी हूँ। देख रहे हो ना मैं कितना हैप्पी हूँ। अब चले क्या, अब से नया पंगा शुरू हो गया। क्यों रे, तूने अपनी हरकतें शुरू कर दी? क्या हुआ था? टीवी में शादी का गाना आ रहा था, पीछे पीछे ये भी आया। हमारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी ना? उसे पता चला ना तो चप्पल की जोड़ी पड़ेगी। चप्पल भी चाहिए तो जोर से मत बोलना। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ, जल्दी ही खामोश हो जाएगा। जिसके बारे में दीदी ने कहा था वो इंसान ये हो सकता है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं इसका हम सफर बन पाऊंगा? मुझे तो उम्मीद कम लगती है, पर तेरा नशा चढ़ जाता है। ऐसे लोग गलत नशे में ही चूर रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं होता। पता है इन्हें क्या कहा जाता है? ठरकी। टेस्ट करें क्या? बुड्ढी का जो ट्रंक नीचे रखा हुआ है उसे ऊपर रखने की कोशिश करो, तुम्हारे पीछे देखना करते हुए आ जाएगा। फोकस उस पे रखी हुई तूने और आउट फोकस मुझे कर रहा है। अरे रुक रुक। वो आ रहा है क्या? हाँ वो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? लड़की काम कर रही है और तू देख रहा है? बिल्कुल ठीक किया बेटा, भर भर कर खाता है पर काम कुछ नहीं करता। तुम्हें तो बस मौका चाहिए ना। अरे पम्मी जी, उसका फोटो दिखा कर कहा था कि कोई संबंध नहीं, लेकिन वो तो भांजा निकला, बदतमीज भांजा। अरे सुनना, सिगरेट पीने से हर कोई मरता है, फिर भी सिगरेट को गवर्नमेंट ने बैन किया क्या? अरे मुसीबत में ऐसा ही होता है, समझता नहीं है। साहब जी ये ट्रेन में सिगरेट पी रहा है। क्या हो रहा है? मुझे बोल बचन दे रहा था। अच्छी सिगरेट की बुआ रही है। जय नटराजा, रंगा और गंगा म्यूजिकल वाले आप सबको तहे दिल से प्रणाम कर रहे हैं। इस खूबसूरत गाने को सुनाने के लिए हमें मौका दिया, इसके लिए फ्रेंडली ट्रेवल्स के अवतार जी को हम सब की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। इसमें ताली बजाने की क्या बात है? अब देखो ये लोग हिला हिला के रख देंगे। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बाबा की भक्त है, इसलिए उन्होंने बाबा के लिए गाना गाया। वो गाना है सुन बाबा सुन। अब उसका तात्पर्य मेरे शिष्य समझाएंगे, तो समझाओ मेरे शिष्य। जय साईं राम, सुन साई बाबा सुन, मतलब सुनो साई बाबा सुनो, प्यार की धुन मतलब तुम्हारे दिव्य दर्शन के लिए तुम्हारे मंदिर आ रहे हैं बाबा। बहुत अच्छी बात है। मैंने तुझे अद्भुत है, महाअद्भुत, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन चुन चुन।
अर्थात ओ बाबा, हम सब जिस तरह से आपको मानते हैं उसी तरह से आप भी हमें मान लीजिए बाबा, यही इस गाने का अर्थ है, इस पाठ का परमार्थ है। बेवकूफ बना रहा है। शुरू करो भजन। देखेगा तो यही कहेगा बिल्कुल अजंता की मूर्त हो। जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। एक बात बोलूं? बोलो। प्यार से समझा रही हूँ, समझ जाओ, वरना मुझे समझाने के दूसरे तरीके भी आते हैं। बोलती हो तो लगता है फूल खिल गए। ये नहीं सुधरेगा। क्या हुआ बेबी तुम्हें? मुझे छींक आ रही है। आज छींक आया, कल खांसी आएगी, अगले दिन डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ तो दादी मुझे मार डालेगी। तीन लोग जा रहे हैं, दो लोग ही वापस नहीं आने चाहिए। ओवर एक्टिंग कम करो। तुम नहीं समझोगी। अवतारम जी, अवतारम जी, तम्मी जी मेरी बात सुनिए। इस भजन के अलावा इस ट्रेन में डॉक्टर मिलेगा क्या? अरे मैं इस ट्रेन में वेटनरी डॉक्टर कहाँ से लेकर आऊँ? सुनो, डॉक्टर मेरे लिए नहीं, बेबी के लिए। अच्छा, बेबी के लिए? इमरजेंसी के लिए डॉक्टर है यहाँ, आगे से जाकर लेफ्ट ले लो। पहले ट्रैफिक हवलदार था क्या? डॉक्टर, 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 पेशेंट कौन है? मेरी बेबी पेशेंट है, बेचारी छींक रही है, कुछ करो ना डॉक्टर। तुझे या बेबी को? बेबी को। ऐसे क्या देख रहा है? आप डॉक्टर हो, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा। चलो यकीन दिलाता हूँ। बेबी, डॉक्टर मिल गए। अच्छा अच्छा, ये डॉक्टर है? ऐसे लोग गलत नशे में ही चूर रहते हैं और कोई काम धंधा नहीं होता। पता है इन्हें क्या कहा जाता है? थर्की। नाम क्या है? मत बोलो। अरे बोल ना, डॉक्टर साहब तुम्हारा नाम पूछ रहे हैं ना। सावित्री। सावित्री गांव कौन सा? डॉक्टर, तुम्हें गांव से क्या लेना देना? हमारे गांव में कॉलरा है, बाजू के गांव में डेंगू है, तुम्हारे गांव में क्या पता करना? लॉजिक है। पीछे आऊंगा, तुम मारने वाली थी, अब तो हाथ पकड़ने वाला हूँ। सांस लो, छोड़ दो, फिर से लो, फिर छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो। डॉक्टर, ये ट्रीटमेंट नहीं लग रहा है, योगा लग रहा है, योगा। जी, तू अपना मुंह बंद कर, उन्हें अपना काम करने दे। प्रॉब्लम नहीं है, मौसम बदला है इसलिए सर्दी हुई है, टैबलेट ले लेगी तो ठीक हो जाएगी। टर्की। डॉक्टर साहब, आजकल मुझे भी जरा भूख नहीं लग रही, क्या हो सकता है? अरे अभी एक किलो एप्पल खाया, तो फिर तुम ही बताओ भूख कैसे लगेगी? बकवास बंद कर। दादी कहाँ है? उसे नींद की गोली खिलाकर ऊपर सुला दिया हूँ। ए, मैडम को बैठने के लिए जगह दे। थैंक यू सर। बेबी, तुम्हें ऐसी कोच नहीं दिखा क्या? ये मेरे गरीब बॉस की रईस बेटी है। हाँ, गॉड मस्ट बी क्रेजी। कांचीवरम है? नहीं, धर्मापुरम। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है? अगर और थोड़ी देर होती तो मेरी शादी दूसरे के साथ हो जाती। यानी ये तुम्हें उठाकर लेकर आया है? ओ मैडम, चोर उठाते हैं, लवर भगाते हैं। तो इन्होंने चोर से प्यार किया? ये कौन है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? वो जिसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है। सावी बेबी, कंप्लेंट करेगा? चुप रहना सती, बेकार लोगों के हम मुंह नहीं लगते। चची, बॉस एक सिगरेट मिलेगी क्या? चलो। बेबी, इससे दूर ही रहना, मैं अभी आया। ओके बेबी। इसमें क्या देखकर प्यार किया? मैंने सोचा नहीं था कि उसकी थिंकिंग ऐसी होगी। तुम पर भरोसा करके आई है, तो तुम इतना चीप क्यों सोच रहे हो? ओहो, सोचना जरूरी है? तुम
एक ही हो या तुम्हारी और भी बहनें हैं? एक छोटी बहन है हाँ? लेकिन मुझे फुल सपोर्ट करती है, उसने ही मुझे भागने में मदद की है। तेरे की? उसने एक बार भी नहीं सोचा, तुम तो भाग कर आ गई, अब उस बेचारी की शादी कैसे होगी? अगर सोचते बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अब प्यार किया मेरे भाई तो तुम्हें सारे पापड़ भी बेलने पड़ेंगे। ज्यादा पापड़ मत बेलो, भाग जाओ यहाँ से, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। किसका फोन है? मेरे डैड। तो उठा लो। उठाया तो मुझे मार डालेंगे, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वॉशरूम कहाँ है? उधर उधर उधर। हेलो, आपकी बेटी शिरडी जाने वाली ट्रेन के S2 कोच में है, रात को कामारेड्डी में ट्रेन रुकेगी, आप अपने आदमियों को भेज दीजिए। ये तुमने बहुत अच्छा किया बेबी। विशाखापट्टनम से शिरडी जाने वाली ट्रेन अभी थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। यात्रियों से निवेदन है कि वो अपनी जगह पर बैठ जाए। साईनगर शिरडी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। यहाँ पर है वो। अरे कहाँ है? ये लोग क्या ढूंढ रहे हैं? ये उसके आदमी है या फिर चोर? और वो लड़की कहाँ गई? उस तरफ पीछे देखा, 60 नंबर पे। यहाँ भी नहीं है। बेबी, कम फास्ट बेबी। कहां पर जा रहे हो तुम लोग? पता चलते ही तुम्हें बता देंगे। बॉस, थैंक यू, बाद में बोलना, अभी चलो। कम बेबी, कम कम फास्ट, हट हट हट, जल्दी भागो। ए, कहां जा रहे हो? इधर आओ। चलो चलो उस गाड़ी में चलो। अभी थोड़ी देर में रवाना होने वाली है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? तुमने पकड़ में आए हो ना, तो जाओ पकड़ो। चल रे, गाड़ी निकाल। वो अपनी जगह पर बैठ जाए। चलो, एक काम तो हो गया। ट्रेन चली गई। अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? भाई, आइटम को देख, मस्त है ना? बिल्कुल मस्त। साईं बाबा, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो साईं बाबा। कहाँ भटक रही हो? अंदर बैठो, आ जाओ। अरे बाबा, तुम मेरे लिए लौट रहे हो? हमारे पीछे, जल्दी से आ जाओ। आ गई, आ गई, आ गई। जल्दी, चलो। ये लोग भक्ति वाला गाना नहीं गा रहे, भक्तों को डराने वाला गाना गा रहे। अरे बेबी उठो। बेबी कहाँ है? बुड्ढी तो यहीं पर है। इडली इडली गरमा गरम इडली, बड़ा 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 डोसा डोसा गरमा गरम गरमा गरम। अरे हटो बाबा जी, आपने हमारी बेबी को देखा? बेबी को छोड़ो, बाबा का गाना सुनो। कान के नीचे बजाऊंगा। अरे हटो, सॉरी। समझ गया, उस हीरो ने कुछ किया होगा। अवतारम जी, अवतारम जी, अवतारम जी, कौन है रे? बेबी नहीं दिख रही है। आपने अपना सर क्यों पकड़ रखा है? हमारी बेबी कहाँ है? आपका भांजा भी नहीं दिख रहा, और वो दोनों लवर्स भी गायब हैं। ए सती, सावित्री को जगा दे। लो अभी दादी की भी नींद खुल गई। अरे तू शौक पे शौक बनते, मैं मर जाऊंगा यार। अगर तू नहीं मरेगा तो मैं ही तुम्हें मार दूंगा, बेबी नहीं मिली तो। ए सती, बापरे बापरे, सावित्री के लिए नाश्ता लेकर आ जा। अरे बापरे, अब तो बुड्ढी भी उठ गई है, थोड़ी देर में साहब मुझे फोन करेंगे। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? फोन करना चाहिए ना। फोन करना चाहिए, फोन करना चाहिए। हाँ फोन करो, स्पीकर में डालो। कर तो रहा हूँ ना।
नंबर। ये तो दूसरी लड़की है, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाया क्या? अरे कस्टमर क्या रहा यार। वो कौन है, कोई डॉन है क्या? वो नेटवर्क में नहीं है, ये कह रही है। नेटवर्क में नहीं होंगे तो वर्कआउट कर रहे होंगे। तू खामो खाम, मुझे टेंशन मत दे, जब तक उनका फोन नहीं आता तब तक वेट कर, समझा? ए सती, किससे बात कर रहा है वहाँ? सावित्री को जगाया या नहीं? सारा काम बाकी है। समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, सब समझ गया मैं। बुड्ढा ने नींद की गोली दे देता हूँ। मां जी, अब ये कौन आ गया? गंगा का गाना बजाना बंद क्यों हो गया? क्या कहा तूने? गंगा का गाना बजाना। हाँ, शुरू करवाता हूँ। इधर गंगा चाहिए? गंगा का गाना चालू हो गया। आजा आजा। कहाँ गया तू ऋषि? अरे ये क्या, लोकेशन चेंज हो गई? अरे बाप रे, ये क्या, यहाँ तो कार का शेप भी चेंज हो गया। ए, कौन आ रहे तुम लोग और मुझे कहाँ लेकर आ गए ये? अंदर लेडीज भी मौजूद है, ये क्या तुम्हारा फैमिली बिजनेस है? और ये कौन, इसकी शक्ल पे चोर लिखा हुआ है? सर वो एक्चुअली ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ वैसा हुआ वो भूल जा, अब क्या होगा वो मैं बताता हूँ। जानते हो इसके लिए तुम कितने सालों के लिए जेल जाओगे? भगवत गीता महाभारतम युग का समग्र सारांश। हम जेल के साल काउंट नहीं करते हैं, सेकेंड्स और मिनट्स काउंट करते हैं। हाँ सही कहा, 11:57 और 650 किलोमीटर, दो रातें बिना नींद के। मैं आप ही को तो ढूंढ रहा हूँ। मुझे क्यों ढूंढ रहे हो भाई, अभी भी नहीं समझे क्या? अरे रोमियो ने भी जूलियट को इतने प्यार से इतनी बार नहीं बुलाया होगा जितनी बार तू बार बार मुझे प्यार से बुला रहा है। आखिर इतना प्यार कैसे उमड़ रहा है, लॉजिक तो बता मुझे। ये बात तब की है जब द्वापर युग चल रहा था और तब मुझे आप ही ने भड़काया था लड़ने के लिए। सो सैड। अब आपको समझ में आया कि नहीं? इस पोज को क्या समझूं भाई? आप साक्षात कृष्ण हैं। मैं कृष्णा? अगर मैं कृष्णा हूँ तो तू क्या अर्जुन है मेरे भाई? चलिए आखिरकार आपने मुझे पहचान लिया। जय कृष्णा मुकुंद मुरारी। तेरे हिसाब से मैं कृष्णा हूँ और तू अर्जुन है, पर इस बात का सबूत क्या है जरा वो तो बता। इस कार के अंदर वो मूर्ति है ना? हाँ, मोरपंख और कृष्ण की मूर्ति। कौन सा गाना प्ले हो रहा है? भगवत गीता। इस कार के आप क्या है? ड्राइवर हूँ। इसका मतलब सारथी है आप? पहले तो मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैंने खुद के अंदर झांक कर देखा तो मुझे कृष्ण नजर आया। मैं कृष्ण हूँ, ओके, तुम अर्जुन हो, ओके, पर ये लड़कियाँ कौन है और ये चोर शक्ल कौन है? ये सुभद्रा है जी? मेरी बहन। ये शशि रेखा है। हाय। अच्छा तो मेरी बेटी है ये। ये अभिमन्यु। प्रणाम श्रीमान। ये चोर शक्ल वाला अभिमन्यु है? बेबी, who's this शशि रेखा? बेबी तुम चुप बैठो। मैं पांडवों के पक्ष में हूँ। तो अर्जुन अब बताओ कि कौन सा कार्य संपन्न करना है? आपको नहीं पता है क्या, शशि रेखा की शादी? तो फिर देर किस बात की, चलो 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 चलते हैं। ए, प्रभु वो मेरी सीट है। मैं कृष्ण हूँ। बेवकूफ, सच में कैरेक्टर में घुस गया। हाँ बेबी, कृष्णा का मतलब यू मीन दैट फ्लूट गाय नो? या फ्लूट गाय, यस, द गाय फ्रॉम वृंदावन, इट्स मी कृष्णा। वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू सर? बेबी क्या कर रही हो? बेबी डरने की जरूरत नहीं है, मैं रथ का सारथी हूँ। सुनो अर्जुन, तुमने जो कहा वो बिल्कुल सच तो है ना? अभी भी तुम्हें कोई शंका है क्या? इसका मतलब गीता पाठ मैंने किया था, पर मुझे भागवत गीता का एक भी श्लोक याद क्यों नहीं आ रहा है? पहले तुम्हें याद आएगा कि तुम कृष्ण हो, इसके बाद तुम्हें भागवत गीता याद आएगी। लॉजिक है भाई, आई एम कृष्णा। तुम्हारा बड़ा भाई क्या कर रहा है? वो कौन है? अरे वही जो पत्ते खेलता है, जुआ खेलता है, धर्मराज। आजकल मेरे टच में नहीं है वो। क्या कहा? उसने तुम्हें बड़े भाई का प्यार दिया और तुम उसे भूल गए, अपने बड़े भाई धर्मराज को? अर्जुन कोई हमारी गाड़ी को फॉलो कर रहा है। अरे कौन फॉलो कर रहा है? ये
दुष्ट गौरव है। तो ये हमारे जान पहचान वाले हैं, गाड़ी साइड करके इनसे बात करते हैं ना। ये बात नहीं करेंगे, शशि रेखा का चीर हरण कर लेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। बेबी तुम टेंशन मत लो। किसने भेजा तुम लोगों को? बेबी पहले इन्हें भेजने वालों को मारना चाहिए। बेबी लेट्स किल देम। लेट्स किल देम बेबी। क्यों अपनी कब्र खुद खोदने की बात कर रहे हो? अर्जुन उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता है, रैश ड्राइविंग कर रहा है। वो मेरी कार को ओवरटेक करने जा रहा है, ऐसे में मैं ड्राइव नहीं कर सकता भाई। कृष्ण मुकुंद मुरारी कुछ तो करो स्वामी। इसने मुझे उठा के इधर कर दिया और मेरी ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गया, तो मेरा थोड़ा सा ईगो हर्ट हो गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। ऐसे समय में भी ईगो, कुछ तो करो मुकुंदा। अगर भगवान कृष्ण को ऐसे ही सताओगे तो कुछ भी नहीं होगा। हरे राम हरे कृष्ण, चलो तुम भी गाओ। हरे राम हरे कृष्ण, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। कृष्ण जी सीट बेल्ट बांध दो जरा। अभी लो। सेफ बेबी। बॉस क्या आइडिया लगा है बॉस। अभी तक क्यों नहीं आया? साफ फोन कर रहे हैं मुझे। गाड़ी मिस हो गई होगी, कल तक तो नहीं आएगा। एक बात तो बोलो उनसे कि ठीक से गाना गा। बता दूंगा। बेबी ये क्या है? बेबी जो तुम्हें काटे वो मच्छर है बेबी, तुम्हारे पिताजी की वजह से देखो आज हमारी कैसी हालत हो गई है बेबी। यू आर सो चीप। ऐसे क्या देख रही हो? मेरी दीदी ने मुझे पहले ही बताया था कि मुझे तुम जैसा एक लड़का मिलेगा। तुम्हारी दीदी कुंडली देखती है? नहीं जी, श्राप देती है। तुम्हें पता है मेरी दादी हमेशा कहती रहती है कि कभी किसी के फटे में हाथ नहीं डालना चाहिए। मैंने ही नहीं सुना, बेकार में उन्हें फोन करके बता दिया। मैं जानता हूँ। तो क्या वो भी ये बात जानते हैं? उन्हें नहीं बताया। Thank God, I was wrong. तुम अच्छे इंसान हो, तो मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी। मुझे अच्छा इंसान बोल के शादी किसी और से? लेकिन उन लोगों ने तो तुमसे मदद नहीं मांगी, तो फिर तुमने क्यों मदद की? मदद पूछ कर नहीं करनी चाहिए, जरूरत देख कर करनी चाहिए, क्योंकि जिन्हें सच में जरूरत होती मदद की वो मांगते रहे हैं। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वैसे तुम काम धंधा क्या करते हो, ट्रेन में बेकार में घूमने के अलावा? मुझे दुनिया देखना पसंद है, इसलिए घूमता रहता हूँ। मुझे जिंदगी से मोहब्बत है, इसलिए मेडिसिन की पढ़ाई की है। हंसने की वजह नहीं ढूंढता और गुस्से के लिए वजह नहीं मिलती। कल के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कल जो होना है वो होकर ही रहेगा। कस्टमर हमारा भगवान। कैसा होटल है, कैसी सर्विस है? क्यों क्या हुआ? डोसा जल गया है भाई। अरे इसके बिल में 100 रुपया ज्यादा जोड़ना। अच्छा ये कौन है सुबह सुबह मोर पर खड़ा के बैठा है? ए, इसके बिल में 1000 रुपया जोड़, उठा इसे। हाँ बोलो क्या चाहिए मैडम? बाबू डू यू हैव सम ओट्स एंड सैंडविचेस? ये बिना कुछ खाए नोट शॉट की बात क्यों कर रही है? बेबी क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है, दूं क्या एक? ये हाथ उठाने की बात कर रहा है, इसके बिल में 500 रुपया जोड़ दे। जरा सुनो तो मित्र, ये 500 का फाइन क्यों? ईगो, मेरा ईगो हर्ट होता है तो उसके ऊपर फाइन लगा देता हूँ। ओ ईगो मैन, यहाँ खाने के लिए क्या क्या मिलता है? रात की बनी हुई इडली, सुबह की बनी हुई पूरी और अभी का बनाया हुआ डोसा। अब जरा रेट तो बता दो, इन सब का बिल मुझे ही भरना है। इडली के 200, पूरी के 300, डोसा फ्रेश है ना तो 500 रुपए। सुनो मित्र, तुम डोसा ही दे रहे हो ना, तो उसके ऊपर ही इतना हैवी टैक्स क्यों लगा रहे हो? इनको देख के समझ में नहीं आ रहा है, जरा इनकी बनावट तो देखो, जैसे शादी के मंडप से इसे भगाकर ये लंगूर लेकर आया है। अभी तुम लोग यहाँ से जब जाओगे तो यहाँ पे बड़ा सा गुंडा गैंग आएगा, वो सारे टेबल कुर्सी तोड़ देगा, उसका बिल कौन भरेगा? छे, ये प्लेस और इसका फेस दोनों पसंद नहीं है मुझे, चलो यहाँ से। लेट्स गो नाउ। रुको। वो गुंडा पार्टी यहाँ कर पूछे कि तुम लोग कहाँ गए तो मैं बता दूँ क्या? तो फिर बैठो ना। बैठो।
अरे ये उठ करके फिर बैठा है, इसके बिल में 500 रुपया जोड़ दो। तुम्हें क्या चाहिए? मक्खन। अपनी शक्ल देखिए जो मक्खन मांग रहा है तू। अर्जुन, लगता है इन लोगों को पता चल गया कि मैं कृष्ण हूँ, इसलिए ये लोग भी कृष्ण स्पेशल गाना बजा रहे हैं। तो फिर एंजॉय करो कृष्ण। हाँ बॉस, हमें कोई रास्ता बताओ बॉस, इसके बाप के गुंडे फिर से आ गए। तो जब प्यार किया तो तूने मुझसे परमिशन ली थी क्या, जो अब सॉल्यूशन मांग रहा है? अरे तुम्हारा मुझे ट्रेन में चढ़ाने का इरादा है या नहीं? मुझे ना पाकर मेरी दादी कितना टेंशन ले रही होगी जानते हो? ट्रेन से तुम अकेली नहीं उतरी हो सावित्री, मैं भी तो उतरा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, इनकी शादी वादी कराने के बाद खुशी खुशी चढ़ जाना। लेकिन कहाँ? डोली में सावित्री। ए जोकर, ये ले तुम्हारा मक्खन। अर्जुन, इस सुदामा को बता दो कि इसके ढाबे में कौन आया है। ये क्या अर्जुन है? तब तो तुम जरूर कृष्ण हो गए। मित्र, तुम मुझसे अरे करके नहीं बोलोगे? ये अरे बोलने के लिए मना कर रहे, 5,000 रुपए जोड़ दे। 5,000? हमें कहीं जल्दी पहुँचना है, गाड़ी मिलेगी क्या? एसी 10,000 में, नॉन एसी 5,000 में, कौन सी गाड़ी चाहिए बताओ? भैया यहाँ आसपास कोई मंदिर है क्या? अरे सर, इसके बिल में 2,000 रुपए जोड़ दे। ये 2,000 किस लिए भैया? मंदिर दूर है या पास है बता रहा हूँ ना भाई। कृष्ण, अर्जुन, इन लोगों को तो मैं संभालता हूँ, कार कम रथ रिपेयर हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? मेरे बारे में चिंता मत करो अर्जुन, इस पेयर को तुम संभालो, रिपेयर को मैं संभालता हूँ। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू। आजा बेबी। आजा भाई, यही हमारे गांव का मंदिर है, बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग इसके दर्शन करने आते हैं। यही वो मंदिर है? हाँ यही है। जैसा बताया वैसा नहीं है? ठीक है तो 3,000 कम करता हूँ। लव यू बेबी। रुको, शर्म करो, इन लोगों ने तो मंदिर तक को नहीं। तुम आओ ना बेबी। ये ऐसे क्यों है? सुनो फाइन मास्टर, हाँ यहाँ पर नए कपड़े मिलेंगे क्या? क्या बोला तूने? नए कपड़े यार। अपनी शक्ल देखिए जो नया कपड़ा चाहिए, सेकंड हैंड कपड़ा मिलेगा, जाकर ले ले। चलो चल कर ले लेते हैं। कहाँ से चले आते हैं? एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर सबक तुम्हें खरीद लो, पैसे मैं दे दूंगा। ढूंढो उसे। उधर देखो, कोई बड़ा गैंग लगता है, इसके लिए बड़ा बिल फाड़ूंगा। इन्हें अंदर लेके जा। तो मेरा बिल कौन भरेगा? कहा ना, इन्हें अंदर लेके जा। समझ गया, चलो बच्चा लोग अंदर चलो। ओए जाकर ले आओ उसे। तुम्हारे लिए क्या पंच डायलॉग मारूं? अंकल ने तुम्हें चिकन मटन का लालच दिया और तुम यहाँ चले आए। बॉटम लाइन ये है कि मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा और वो लोग शादी करेंगे। अब तुम्हारे लिए पंच लाइन मारूं या डायरेक्ट एक्शन करें? डायरेक्ट एक्शन होना चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। कृष्ण जी का जन्मदिन है तो उनका प्रोग्राम होना ही चाहिए, उनके जन्मदिन पर उनका गाना सुनेंगे। छोटे, गाना सुनने के बाद ही जोश आएगा और फाइट करने में बहुत मजा आएगा। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दे।
पंडित जी जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए, जल्दी शुरू कीजिए। अबे तू हट यहां से, ये पैसा है। अबे तेरी तो, अरे हट यहां से, अरे बाप रे। हां पंडित जी बैठ के, मैं तेरी शादी को जाना दे, चलो 1000 रुपए फाइन करूंगा। सबसे तो निपट लिया, लेकिन आगे पूरी फौज आ रही है। क्या रे, पूरे गांव को उठा के ले आया क्या? इन लोगों को तो मैनेज कर लिया, लेकिन इतने सारे लोगों को मैनेज कैसे करेंगे भाई? चुप रहो ना तुम। क्या लगा था कि मैं वापस नहीं आऊंगा? Come on, चलो जल्दी बैठो गाड़ी में, चलो। आप जल्दी उतरो साहब। हाँ भाई जल्दी, ठीक है, संभाल के जाओ, आराम से जाओ अर्जुन। फिर से करो। सावित्री, लगता है ये भी मुझे प्रपोज करेगा। बोलो, आखिर बोल ही दो, मुझे पता है तुम क्या बोलने वाले हो। अभी तक जो भी कुछ हुआ वो प्यार था तो शादी भी होगी, यही सोच रही हो ना? लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं सब जानती हूँ। सावित्री, वो अलग है, हम लोग अलग हैं। देखो मिस्टर, तुम शायद अलग होगे, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। घर वालों ने जिसे पसंद किया है उसी से शादी कर लोगी? नहीं तो क्या, किसी अनजान इंसान से शादी करना सही नहीं है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुम क्या करोगी? देखो मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी शादी पहले ही फिक्स हो चुकी है। कट कर रहा है यार, और एक बार करो प्लीज। नहीं बताया तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। तुम्हें जवाब देना होगा, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? तुम अच्छे लगते हो, लेकिन एक दोस्त से ज्यादा कुछ भी नहीं। सावित्री, 2 मिनट में ट्रेन आ रही है, अगर मैं तुम्हें पसंद हूँ तो बोलो, दादी के सामने मंगलसूत्र बांधूंगा। यही कर सकते हो तुम, पर ऐसे प्लेटफॉर्म में, मंदिर में ऐसी भाग कर शादी मुझे नहीं करनी। अरे फिर से कट कर दिया, फिर से एक बार करो। तुम्हारे घर वालों से आकर बात करता हूँ, वो चलेगा? देखो मेरी शादी मत तोड़ो। ट्रेन आ चुकी है सावित्री, आखिरी बार पूछ रहा हूँ मैं। मेरा आखिरी बार भी जवाब वही है। ए, क्या प्रॉब्लम है, स्टेशन पे खड़ा हूँ। हेलो, मैं अंकल बोल रहा हूँ, बेटी 2 दिनों में लौट रही है, एंगेजमेंट फिक्स करनी है, अपनी माँ के साथ आ जाते तो बहुत अच्छा रहता। अंकल, मुझसे 3 मीटर दूर एक लड़की खड़ी है, उससे 3 दिन पहले ही मैं मिला हूँ और उससे मैं प्यार करता हूँ। ये बात उसके अलावा सबको समझ में आ गई है,
इस सिलसिले में बात करके आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अपनी बेटी के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लीजिए और मेरी माँ को भी ये बात बता दीजिए, जब तक मैं इस पागल लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक मुझे फोन मत कीजिए। उन्होंने क्या कहा भैया? उसे ये शादी मंजूर नहीं है। यस। कह रहा है किसी दूसरी लड़की से प्यार करता है। हमेशा सोचा था कि तू मुझे फंसाएगा, लेकिन इस बार तू ही फंस गया। बहुत मजा आ रहा है मुझे। ये फोटो पहले ही नहीं दिखा सकती थी माँ। तुझे क्या ये मजाक लगता है? पहले तो तू हमसे जबरदस्ती करके उनसे बात करने को कहता है, रिश्ता तुड़वाता है, और अब अचानक बात करने को कह रहा है। तुझे जो करना है कर। ये कुछ नहीं कर पाएगा। तुझे पहले इसका साथ छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह गई वो। तुम लोग राय का पहाड़ मत बनाओ। चार दिन रुका होता तो हमारी भी शादी हो जाती है। वैसे मुझे भरोसा है वो मुझसे प्यार करती है। इस वक्त भी वो मेरे बारे में सोच रही होगी। उसकी तो जिसने रिश्ता ठुकराया अगर वो मुझे मिल जाए ना उसे तो मार डालूंगी मैं। मैंने कितने सपने सजाए थे सब टूट कर बिखर गए। ये सब मेरे ही साथ क्यों होता है? तुम दुखी क्यों हो रही हो बेबी? दुखी नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा है। फीलिंग कुछ भी हो एनर्जी तो अपना ही वेस्ट होता है। हम लोग ही फील कर रहे हैं या बाहर उन लोगों को भी कुछ फील हो रहा है? अरे एक गया तो 100 आ जाएंगे, जाकर फिर से दूसरा रिश्ता ढूंढो। ऐसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। अगर सब कुछ सही रहता तो आज एंगेजमेंट होने वाला था, लेकिन आज माहौल ही कुछ और है। उससे कुछ गलती नहीं हुई है फिर भी वो अंदर जाकर बैठी है। लगता है मुझसे ही कुछ जल्दबाजी हो गई। आपकी क्या गलती है भैया, मैंने ही आपसे जल्दबाजी कराई। आप राम लक्ष्मण का प्यार बाद में, अब आगे क्या करना है ये सोचिए भैया। हे बंद कर। आप लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? आखिर हुआ क्या? रिश्ता ही टूटा है ना, अपना सेंटीमेंट तो नहीं टूटा ना। अपनी सावित्री का राजकुमार कोई और होगा। हो सकता है इस समय हमारे सामने ही हो लेकिन हम लोग उसे देख नहीं पा रहे हो। हो सकता है हमारे आस पड़ोस में ही कोई हो। हाँ भैया, इनकी बातों से मुझे कुछ याद आया। यूएस में मैं रिश्ते की बात कर सकती हूँ। वो भी हमारी सावित्री के जैसी ही भारतीय संस्कारों वाली लड़की ढूंढ रहे हैं। सावित्री उनके लिए बिल्कुल सही रहेगी। देखो एक बार मुझसे पहले गलती हो चुकी है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। बिल्कुल ससुर जी, कुछ नहीं है भैया, हम उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तेरी तो इसमें गलत क्या है भैया, बोल तो रही है ना अच्छा रिश्ता है, हमें फिर से रिश्ता ढूंढना ही है तो फिर यही क्यों नहीं? बेटी गायत्री। हाँ पापा। ये बात एक बार जाकर बहन को बता दो। सोचा था क्या, क्या हो गया बेचारी ये बुलबुल फंस गई। बहुत अच्छा हुआ ना, तुम एक बात बताओ कि आगे क्या हो रहा है? सुन रे सती। हाँ बेबी। इनकी भविष्यवाणी हमें नहीं सुननी है, बोल दो इन्हें। तुम्हारी भविष्यवाणी हमें नहीं चाहिए। तेरे लिए फिर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सती एक और रिश्ता रहा है। अमेरिका का रहने वाला है। अमेरिका का है? और भी कुछ बताओ ना। हाँ, तू बहुत जल्दी उड़कर जाने वाली है। पहली बार आया वो रिश्ता बस का था, ये रिश्ता तो एयर बस का है। हाँ उड़ो उड़ो, कहाँ तक उड़ेगी मैं भी देखती हूँ। मेरी प्यारी बहनियों बनने की दुल्हनिया। जब तक मैं इस पागल लड़की को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तब तक मुझे फोन मत कीजिए। बेबी बेबी बेबी। ये सती। हाँ? ऋषि ने ये रिश्ता भी तोड़ दिया, ऐसा सपना आया। उस सपने को छोड़ो, वो ऋषि बाहर बैठा हुआ है। अरे बाप रे, वो यहाँ क्यों आया? चल चल जाकर देखते हैं। चल 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 चल। सर मुझसे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती हो गई कृष्णा? जो गलती मैंने की है गुस्सा आना जायज है, लेकिन भूलने के लायक भी है। सर आपके साथ दो बात करनी है। बोलो। पहली बात, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, वो कोई और नहीं आप ही की बेटी। हाँ?
मेरी बेटी का जब रिश्ता पहली बार आया था तो तुम मुझे अच्छे लगे थे। डॉक्टर हो, सोचा अच्छी बात है, यहाँ तुम्हारी खेती भी हम ही देखते हैं। पहचान का रिश्ता है ये सोचकर खुशी हुई थी, लेकिन तुमसे बात करने के बाद तुम मुझे पसंद नहीं आया। किसी लड़की के घर वालों से कहना कि आपकी बेटी मुझे पसंद नहीं आई, ये हिम्मत की बात है। मेरे घर में आने वाले मेहमान से इस तरह से बात की जाती है, ये संस्कार मुझ में है। अगर मुझे हिम्मत नहीं दिखा तो चलेगा, लेकिन संस्कार ना हो तो नहीं चलेगा। सर, आपका मुझ पर गुस्सा करना जायज है, लेकिन मेरा प्यार भी उतना ही सच्चा है। सर, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। अगर वो 3 मीटर की दूरी वाली लड़की मेरी बेटी ना होती तो तुम यहाँ आते नहीं बरखुरदार। मुझे उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा, तुम जा सकते हो। सर, दूसरी बात, हमारी खेती आप ही संभालते थे ना, मैं चाह रहा हूँ वापस हमें दे दें। ये बात तुमसे नहीं करेंगे, तुम्हारे घर के बड़ों से करेंगे। इसलिए मैं अपने मामा को लाया हूँ। हाँ, वो मैं कह रहा था कि वो खेती अगर हम लौटा देते तो। कृष्णा, इनकी मांग नाजायज नहीं है, हाँ पर वक्त थोड़ा गलत है, जाकर इन्हें खेती दिखा दो। ठीक है भैया। क्या कह रहे हैं? खेत के बारे में बात कर रहा है। हाँ? तुमसे शादी करके लगता है दहेज में खेत मांगेगा वो। मुझे पता है तू खेत के लिए यहां नहीं आया, तेरी आंखों में दिखता है कि तेरा मकसद कुछ और है। सावित्री के लिए दूसरा रिश्ता देख लिया है। सावित्री हमारे घर की इज्जत है, भैया की इज्जत है, और उसे बचाने के लिए मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ता, हिसाब बराबर रखता हूं। कृष्णा जी, आप इतना वजन मत उठाइए, कमर दुखने लगेगी। मेरे फैसले आपकी तरह बीच में नहीं लटकते, कंफर्म होते हैं इस पार या उस पार। 1 महीने में खेती का काम पूरा हो जाएगा, तुम्हारे खेत तुम्हें वापस मिल जाएंगे। तुम्हें चाहे जरूरत हो या ना हो, यहां नजर मत आना। अच्छे से स्टडी किया है मैंने, कमजोरी भांप चुका हूं, बात तो बंद कर रहेगी कैसे भी। ए, गोनी उठा के दे चलो। भांजे, ये खेती क्या है, शादी क्या है, वो लड़की क्या है, लो आ गई। तुम अच्छे खेत देखने के लिए यहाँ आए हो? क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। तुमसे शादी की तो खेती दहेज में मिलेगी, पहले खेती हासिल करूँगा फिर तुम्हें दहेज में लूँगा। ज्यादा मत सोचो मेरे बारे में, मैं न्यूयॉर्क या पेरिस में जाकर रामा राव के साथ सेटल होने वाली हूँ। तो फिर इस गधे को अफ्रीका में छोड़ दो, शनि छूट जाएगा। सावी बेबी, बोलने देना सती, इनकार किया इसलिए दुखी हो गए हैं, ज्यादा कुछ कहा तो सह नहीं पाएगा। ये क्या कर रहा, कोई देख लेगा। इतने करीब से देखोगी तो रोक नहीं पाओगी, जाओ मुझसे दूर जाओ। जी, यहाँ से चल सकती। अरे वाह, क्या बल खा रही है मामा, चलो। हाँ, किधर? एक छोटा सा काम है मामा। अब कौन सा काम बाकी है? शुक्र अभी सर्वोच्च शिखर पर बैठा है तो भी अपना काम नहीं हो रहा है। अपने काम को जो रुकवा रहा है कौन है वो? ये तू कहां लेके आ गया? अब ऐसा लगता है अंदर कोई पूजा हो रही है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रसाद दूंगा। अरे सुन, यहाँ पर विश्वास राव कौन है? जा तक मानव खा तक कलयुग बाबा का दुष्कृति।
घर में औरत नहीं फिर भी दिया जला हुआ है, रंगोली बनी हुई है, पूजा हो रही है भरी दोपहर में, तू इतना बेवकूफ है क्या? आखिर यहाँ हो क्या रहा है? ये बात पूछने का अधिकार सिर्फ हमें है। दो दिन पहले तुम्हारे आदमियों को पट्टी लगी थी, उन्होंने आके बताया होगा कि उस लड़की के साथ एक लड़का था, वो मैं हूँ। जून 8 को सावित्री यहाँ से निकली, वो अकेली नहीं थी, 6-7 लोग थे साथ में। रोड पर जब पहुंची तो बढ़कर लोग 10 हो गए। ढाबे पर पहुंची तो 20 लोग हो गए थे और मंदिर तक पहुंचते पहुंचते 50। सुन, ट्रेन में फॉलो किया छोड़ दिया, कार से फॉलो किया माफ कर दिया, लेकिन जब मंदिर के पास आए तब उन्हें नहीं छोड़ा। हमारे बीच क्यों आए थे वो लोग? तुम्हें कोई गलत फहमी है बेटा, ये आज की कहानी नहीं है, 20 साल पहले की कहानी है। लॉजिकली देखा जाए तो तुम बीच में आए हो। कुंडली मिली है ये सोचकर लड़की को भागा कर ले जाना चाहते हो तुम। दोबारा अगर ये सोच अपने ख्याल में भी लाया तो बहुत पछताओगे। कई बार बेइज्जती हुई पर बापू ने हार नहीं मानी। उसी कुंडली के साथ सावित्री पैदा हुई। सावित्री जब छोटी थी तब से ही बापू की नजर उस पर थी। बापू ने फैसला कर लिया कि सावित्री के गले में ही मंगलसूत्र बांधूंगा। मेरी पतंग, मेरी पतंग मुझे लौटा दीजिए ना अंकल। अंकल, ये है तुम्हारे अंकल। ये लो बेटी, ले लो। थैंक यू। बहुत अच्छा कलर लगाया है बापू जी को, एकदम जवान दिख रहे हैं बापू अब तो। अब तुम ही बताओ, सावित्री के साथ इनका शादी करना गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है सर, उन्हें ही शादी करने दीजिए, हम लोग तो यहाँ गलती से आ गए। चलो चलो चलो। मामा, तुम जरा साइलेंट रहो, मैं इन्हें हैंडल करता हूँ। ये लोग तो पागल हैं, मुझे इस वक्त यहाँ पर क्या करना चाहिए? 20 साल से शादी नहीं की तो पेट में बुलबुले उठ रहे हैं और दिमाग में गलत फहमी पैदा हो गई है। इसे चाइल्ड मोलेस्टेशन कहते हैं यार, और मेडिकल टर्म में इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। तुम लोग एक ही गांव के हो, वो किडनैप यहीं कर लेता तो तुम लोगों का पैसा बच जाता ना, इतने छोटे काम के लिए प्रोडक्शन पे इतना सारा खर्च। ये अंकल का आइडिया था। हैं? अगर गांव से लेकर आए तो डाउट होगा, लेकिन अगर गांव के बाहर से लेकर आए तो लक मिलेगा। इसलिए बिल्कुल लास्ट मिनट में प्लान बनाकर लड़कों को पीछे भेजा। ये सच बात है, लास्ट मिनट में तत्काल में टिकट बुक किया। पता है कितनी तकलीफ होती है, कॉन्टेक्ट लगाना पड़ता है। सब समझ गया। तुझे, तेरे अंकल और इन्हें देखकर लगता है कि यहाँ मेंटल हॉस्पिटल होना चाहिए था। लगता है यही तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में तुमसे ही करने वाला हूँ, सवाल मैं उससे पूछ रहा हूँ तो बार बार जवाब तुम क्यों दे रहे हो? आज बापू का मौन व्रत है। अरे उसे बुरा लगेगा, इतना मत हंस। सोच रहा था इस गांव में एक महीना टाइम पास कैसे होगा। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। माय डियर डिवोशनल बॉयज, तुम्हारी भाभी तो वही रहेगी लेकिन भैया बदलने वाला है। ओए, तेरे कहने का मतलब क्या है? बैकग्राउंड म्यूजिक स्टार। बेबी
बदतमीज ने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। गाना भी तो गाया इसने। इस उम्र में ये गाना नहीं गाएगा तो क्या सन्यासी बनेगा? फिर भी वो विश्वराव कितनी खुशी से नाच रहा था, देखा था तुमने? उसका डांस मुझे नहीं देखना है। आज मेरा भांजा जो करेगा उसके लिए सब हो जाएंगे अवतार फैन। ऐसा क्या? मामा भांजे, आई लव यू मामा। बेटा तू उस लड़की से सच्चा प्यार करता है ना? इमोशनल। दुनिया देखेगी तेरा प्यार, ना खाली जाए तेरा वार। मुझे पीने का शौक नहीं। ये लाइट कैसे चली गई? गांव में ऐसा ही होता है, रात होते ही लाइट चली जाती है। अच्छा हुआ लाइट चली गई, अब चल मैं तेरी शादी करवाता हूँ। चलो मैं भी अपनी ताकत दिखाता हूँ। रुको रुको, मैं भी आ गया। आए हम बाराती बारात लेके। हम लोग इतने बुरे हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी भाभी सोई होगी और सावित्री को मैंने नींद की गोली दे दी है। फिर उस शक्ति का क्या? अगर वो उठ गया तो वो गया, खत्म। मर्डर? नहीं, हत्या। जा। बॉयज, मिलिट्री फॉर्मेशन। केक लाया हूँ, बलून्स लाया हूँ, कैंडल्स लाया हूँ, स्प्रे अभी लाया हूँ। हमारे भाई का बर्थडे है तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ए, भाई के बर्थडे में सिर्फ केक देंगे तो उन्हें थोड़े ही मजा आएगा, गिफ्ट के लिए उसे लेकर जाएंगे। What do you want? Savitri! What do you want? Savitri! What do you want? Savitri! Hey! वो कौन है? मुझे तो अपना ऋषि लगता है। तो फिर ये लोग कौन है? कहाँ है रे उसका रूम? भांजे, भगवान ने किया घर रोशन, हम करते हैं हम लोग। ए, नींद की गोली की बात सिर्फ मुझे बताया, पूरे गांव को बताया? क्या हुआ मामा? सावित्री सच में महान है, वो देवी है। कैसे पता चला? आज के जमाने में भी उसने इस गधे को घर में सुलाया है। क्या गधा? इसलिए मैं ज्यादा नहीं पीता, चढ़ जाती है, मजा आएगा। मैं इस गधे की सवारी करूंगा। देख मैं तेरे पर बैठने वाला हूँ, अगर तूने लात मारी ना तो मैं तुझे मारूंगा। अम्मा चुप चुप, गधा गाय की आवाज क्यों निकल रहा है? ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? अरे भागो। ऋषि को अकेला आने में डर लगा होगा, इसीलिए साथ में गुंडू को लाया है। चीटी तो अबे क्या कर रहे हैं तू? लैंप की लाइट बढ़ा दी और मेरा जला दिया। क्या जल गया? साइकिल, चांदी की साइकिल, सोने की सीट। चलो चलो साइकिल, रुक मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा हुआ इसने देखा नहीं। हम लोग आए हैं, ये बात ऋषि को मत बताना। तो फिर ये मुझे टोपी दो। मेरे पास तो एक ही टोपी है। सुन तो जरा ऋषि, ये लो। मैं तो फिर भी बताऊंगा। अरे अच्छा हुआ बलून्स छोड़ दिया। हाँ भाई, भाई खुश होंगे। अरे लो ये भी गया। हे मेरी छोटी सावित्री, मेरी क्यूट सावित्री, बचपन से शादी का खेल खेल रही है। ये नाक देखो, ये होंठ देखो, नहीं इसके नीचे नहीं। मुझे चाटा क्यों मारा सावित्री? कोई बात नहीं। चाटा मारते वक्त ये गिर गया था, फिर से पहना दूं? अरे मेरा पैर छोड़, मेरा पैर छोड़। अरे मैं गधा नहीं हूं, मैं दुल्हन नहीं मारता हूं। अरे रुक, मेरा सवारी पीछे पीछे आ रहा है। केक है। अरे छोटे, ओए अबे ओ, ओए भाई के बर्थडे का केक है, क्या कर रहा है? ओए खत्म करेगा? ए बजट, हैप्पी बर्थडे। ए ये क्या किया तूने?
ठीक है। फॉलो मी, उन्हें सबक सिखाते हैं। उसे ले जाने आए हो? किसको? अरे एक्टिंग कर रहे हो, नाटक बंद करो और बताओ क्यों आए हो। वो क्या है ना कि कल हमारे भाई का बर्थडे है, गांव के बिग पीपल को बुलाने के लिए आया था। बिग पीपल? आप भी हो भाई? बुलाया हो ना, आऊंगा। अब मैं तीन तक गिनता हूँ, ठीक है? अरे भाई आप काउंटिंग तो शुरू करो। वन। बहुत जल्दी में थे भाई, पता नहीं कहाँ चले गए। देखेगा। मैंने कहा था ना नहीं देखेगा। तुझे क्या हुआ बे? मेरी दैया तो डूब गई। कैसे? तुम गायत्री? ओ सावित्री की सिस्टर, पी कर आया हूँ तो गलत मत समझना। तुमने डैडी से बात की तो तुम कैसे लड़के हो ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन वो नहीं समझेगी। समझ गई वो, लेकिन बता नहीं रही है। शादी नहीं करना है तो घर से भागने की हिम्मत तो आप में है, लेकिन लड़का पसंद नहीं तो ना बोलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मत पूछो कैसे पता है, प्यार किया है। शादी करने के लिए आया हूँ, इसका मतलब छोड़ना नहीं होता बल्कि जानना होता है। क्यों इतना भरोसा? मैं उससे ये बात कई बार कह चुका हूँ कि मैं दिलो जान से उससे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत इसी भरोसे पर टिकी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वैसे तुम्हारी बहन है बहुत प्यारी। एनीवे थैंक्स, फिर मिलेंगे। उसके लिए तो अच्छा लड़का मिल गया। बेबी, बेबी। सती, हमारे घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। तुम्हें तो बस इतना ही पता है, कल रात में और क्या क्या हुआ तुम्हें नहीं पता? किस गड़बड़ की बात कर रहे हो? रात में वो ऋषि और उसके दोस्त लोग आकर बहुत गड़बड़ किए। ऋषि आया था? उनकी बात छोड़ो, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है उसने तुम्हें पसंद किया है, अब अमेरिका जाओगी। हे, क्या हुआ? मैं जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। अरे वाह, तो बहुत अच्छा खेलते हैं। रात में हम लोगों ने इतनी धमा चौकड़ी बचाई की क्या बताओ। तूने साइकिल बहुत अच्छी चलाई। सुनो जरा इधर आना, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, आ जाओ यार। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है? आमने सामने बैठकर बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है। उधर क्यों खड़े हो, आ जाओ ना। कल रात को जो हुआ तो उसे पता चल गया होगा, अब क्या होगा भांजे? लगता है हाथ पैर बांध कर मारेगा मुझे। चलो, रात को तो ये भाग निकला था ना, अब देख इसे कैसे घेरता हूँ। ये लोग क्या फुसफुसा रहे हैं? शायद तुम्हारे ही बारे में। शौक मत दे यार तू। अरे कुर्सी लाओ, कुर्सी। बैठिए बैठिए। क्यों बुलाया? ऐसे पत्ते खेलने के लिए बुलाया, क्यों कोई बात हो गई? देखता हूँ कितने बड़े खिलाड़ी हो। मेरा तो बैड लक ही खराब है यार, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये क्या यार, तुमने ये पत्ता? अरे ये नहीं तो कौन सा पत्ता फेंकू, तू चुप रह। कौन? ऐसा नाटक मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है। अच्छा तुम बोल रही हो, क्या कर रहे हो? पापा के साथ पत्ते खेल रहा हूँ। मेरी बेटी है, मेरी बेटी। शो। तेरी जात का बैदा मारो। हाँ चोकर, इसी की तो जरूरत थी। आपका क्या हाल है ससुर जी? मेरा भी हो जाता था बेटा, जस्ट मिस। तुम्हारे पास कौन सी कार्ड आई थी? रानी आई थी। किस्मत वाले हो गुरु। मुझे तो लेकिन राजा की जरूरत थी। आपको राजा चाहिए लेकिन मुझे रानी चाहिए, और आपसे मुझ में ज्यादा ताकत है। तुम्हें इतनी देर हो गई, कहाँ रह गए थे? भैया उसके साथ पत्ते क्यों खेल रहे थे? क्यों, क्या हुआ? वो हमारा दुश्मन है क्या?
अरे कल को हमारी सावित्री की शादी होगी तो उसे कार्ड नहीं दोगे क्या तुम? ऐसी बात नहीं है भैया। वो अगर अच्छा इंसान है तो मैं भी अच्छा हूँ, और अगर वो बुरा है तो मैं बहुत बुरा हूँ। तुमने शो किया तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। ओए, ओए सुनो। तू चल रहे, इस सीन में हमारा कोई काम नहीं है। उस दिन चाटा मारा था उसके लिए माफी मांगने आई हो या झुमके के लिए थैंक्स कहने आई हो? लगता है बारिश होने वाली है। और कुछ बोलो। मैं यहाँ आ रही हूँ ये बात सती को भी नहीं पता। और आगे बोलो। हिम्मत जुटाकर मैं तुमसे अकेले मिलने आई हूँ। इसके आगे? मैं तो सब कुछ समझ रही हूँ, लेकिन तुम नहीं समझ रहे कि मेरी शादी होने वाली है। तुम्हारे रहते मैं अपनी शादी पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। मुझे ना ही तुम पर गुस्सा आ रहा है और ना ही तुम पर प्यार आ रहा है। देखो बेहतर होगा तो मुझे सताना छोड़ दो। ये लोग भी यहाँ पर आ गए। पंडित जी, मेरी छोटी बेटी की शादी है, उसी की शादी का कार्ड है, यहाँ पर रखकर जरा पूजा कर दीजिए। क्या हुआ? सत्ती, उसे देखना। कल उसे कितना समझाया फिर भी कैसे घूर रहा है। कंट्रोल करो बेबी, कंट्रोल। मैंने पूजा कर ली है, अब आप ये विवाह पत्र बांट सकते हैं। विवाह मंगलमय हो। अच्छी बात है। मेरे मामा, वो ऐसे क्यों देख रहे हैं? चलो। कार्ड की बाजी में तूने उन्हें हराया था तो लगता है बदला लेने वाले हैं। शादी का पहला कार्ड तुझे ही देने वाले हैं। मामा कुछ तो करो। अब मैं क्या करूं? उनके पास कार्ड लेने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है। ये तू चुप करे, जब देखो उल्टी बात। सुनिए भाई साहब, पंडित जी ने पहला कार्ड किसी भगवान जैसे इंसान को देने के लिए कहा है। इस गांव के लिए तो आप ही भगवान जैसे, आपसे अच्छा भला और कौन मिलेगा। देखो बेटी, शादी में आइएगा जरूर। बढ़िया टाइम हो रहा है, चलिए चलते हैं यहाँ से। हाँ हाँ चलो चलो। अरे रे 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 रे, क्यों चाचा मुहूर्त देख कर नहीं निकले थे? अब मैं पूरी तरह रिलैक्स हो गया। सावित्री की शादी का पहला कार्ड बाबू को मिला है। आपके होम हवन और पूजा ने अच्छा काम किया। शादी में आना, धूम मचाएंगे। चोचो चाची, मेरी माँ इस सीरियल को बहुत देखती थी। मेरी भी भाई। बंद करो। वाकई ये हमारे लिए बेइज्जती की बात है, लेकिन आज तो मैं उससे अवश्य ही नाचना चाहूंगा अपनी महामंत्रों की शक्ति से। ए अंकल, क्या बोल रहे हो? सूर्यास्त का वक्त हो चला है, अब मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। ये क्या बोल रहा है? लंकिनी, शंकिनी, डाकिनी, ये सब इस वक्त मेरे कंट्रोल में है। ये काली रात उसकी काल रात होगी और तुम्हारी सुहागरात, तुम्हारी सारी बलाएं अब मैं उसके हिस्से में डाल दूंगा। तुम्हारी शादी होगी और उसकी। ए अंकल, तुम क्या बात कर रहे हो और कहां के लिए चल दिए? तो 3:20 पर तुम तैयार रहना, मैं चलता हूँ। अंकल अब क्या कर
करना है? तुम सब उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में फैल जाओ। ए अंकल, थैली क्यों निकाल रहे हो? अभी तक तुमने कुछ भी नहीं देखा है, अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा अपना असली रूप। मेकअप करोगे? अंकल पागल हो गया है। ए, चल हट, मैं कहाँ खड़ा रहूंगा? वहाँ जाओ ना भाई, वहाँ जगह खाली है। तू जा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। नहीं, यहाँ पहले मैं आया था। ए, मेरी जगह कब्जा करता है, चल जाओ। अंकल, लगता है कोई है। तुम सब डरो मत, वो हमारे लिए ही यहाँ आया है। ओम डंकिनी, ओम डंकिनी। ए अंकल, वो हमारे साथ है या हमारे खिलाफ है? वो तो हमें मार रहा है। ए, अंधेरा क्यों कर रखा है? चलो लाइट जलाओ। अरे नहीं। ए, भूत बनकर तू ही हमें डरा रहा है ना? क्या कहा? यार भूत बनके हमें क्यों डरा रहा है? लंकिनी, संकिनी, डंकिनी, ये अंकल की आंटियां हैं क्या? अरे रुको यार, फाइट करने के लिए भी 10 मिनट बाकी है। मेरे लिए इतना काफी है। अरे पोजीशन चेंज करने के लिए अंकल ने मना किया है। तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी अपनी जगह से हिलना मत, पीछे मुड़कर देखना मत और मेरे बोलने तक मारना मत। बेकार की पूजा बंद कर, भाई पहले इसे मारो। अरे रे 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 रे, आठों दिशाओं में वजन अच्छा रखा है। ये सब अंकल ने किया है। बाकी क्या हालचाल है भाई? थोड़ा ब्रेक दोगे तो हालचाल ठीक हो जाएगी। ब्रेक चाहिए तुम्हें? ले लो। मैंने उसे अच्छे से मारा ना? मैं तुमसे कट्टी हूँ भाई। शर्मा क्यों रहा बता ना? जस्ट ओके। इतनी मेहनत से मार रहा हूँ तुझे सिर्फ। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी, सब्जी मंडी बर्फ पड़ी तो घोड़े को लग गई ठंडी। तू तो टार्जन की तरह गा रहा है। मैं जंगल में पैदा हुआ था भाई। मुहूर्त में कितना टाइम बाकी है भाई? 2 मिनट बाकी है भाई। अभी मैं अकेला ही बच गया हूँ भाई। भाई एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाई। क्या है भाई? 2 दिन हो गया भाई, उस बुड्ढे ने खाना नहीं दिया, थोड़ा आराम से मारना भाई, प्लीज भाई। इस महीने में डिस्काउंट नहीं है मेरे भाई। अंकल, पूजा पाठ सब हो गया? त्रिकाल का ग्रहण, चंद्र का मरण आ रहा है। आज के दिन मुझे राक्षर वाले नाम के आदमी से बात नहीं करनी है। अंकल, राक्षर वाले नाम के आदमी से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं मार सकता हूँ। अरे अंकल के चक्कर में हमें बहुत मार पड़ी भाई। अग्नि कोण में आग लगाया, ईशान कोण में खाली रखा, दक्षिण कोण में तुम्हें रखा, फिर भी वो हमें कंट्रोल में रख रहा है। चारों तरफ से 9 ग्रहों को, आखिर में मैं भी, अरे बाप रे, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ बापू। तो ठीक है, अब मैं उसे देखता हूँ। क्या हुआ सर, गाड़ी बंद पड़ गई क्या? कहाँ जाना है? परेशान मत हो, मैंने अपने आदमी को भेजा है, वो बस आता ही होगा। गाड़ी रिपेयर में बहुत टाइम लग जाएगा सर, चलिए आ जाइए। चल पीछे बैठ। सुनो, मेरा भाई आया तो उसे कह देना मैं स्टेशन गया हूँ। ओह माय गॉड, आई लव इंडिया। अरे बेटा क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, गिर जाओगे तो कहीं आसपास हॉस्पिटल भी नहीं है, बैठ जाओ। फनी अंकल, यू आर ऑलवेज केयरिंग। ये क्या बेटा, अपने परिवार के साथ आराम से कार में आना चाहिए था, इस तरह ट्रेन में क्यों आए? आई लव इंडियन कल्चर, मैं नेचर को बहुत ही करीब से देखना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो कैसी लगी ये जर्नी? बहुत ही बुरी अंकल, लाइफ में फिर कभी ऐसे ट्रेवल नहीं करूंगा। हाय ब्रो, तुम सावित्री के ब्रदर हो ना? एक बार और पूछ के देख लो, फिर देखो क्या होता है। ये हमारा रिश्तेदार है,
खेती का काम देखने के लिए आया। ओह खेती का काम, ये तो बहुत ही जबरदस्त काम है। तुम्हारा काम बहुत ही कमाल का है, एकदम पीसफुल है, एकदम स्मूथ है, एकदम स्टॉप। भैंस की फोटो क्यों ले रहे हो? माय फर्स्ट बफेलो पिक इन इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। टिपिकल इंडियन हाउस। बट ब्रो आई लव योर एटीट्यूड एंड योर ड्राइविंग, वेरी सटल। ब्रो कैन आई गेट योर नंबर? गिव इट ब्रो, वेरी स्टाइलफुल इंडिया। आओ बेटा, कीप इन टच, बाय। चलो अरे बाप रे, मेरे दुल्हे को तुमने घर तक ड्रॉप किया? कैसा है वो, ये जाने के लिए फोन किया? शकल देखोगी तो डर जाओगी। क्या कह रहे हो, बाकी सब तो बहुत तारीफ कर रहे हैं। चुप करो, फोन रखो। चालाक है पागल है समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को तो चालाक लगती है। अब इतनी भी चालाक नहीं मामा, पता नहीं समझ क्यों नहीं रही। कैसे भी करके अगर सावित्री की शादी तुझसे हो गई ना तो सच में मजा आ जाएगा। बोली भाभी, दूल्हे की फैमिली आ चुकी है। डैडी आप लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है भाभी, भैया को बोल दो। बता देता हूँ भाभी। बेटी कृष्णा नहीं दिखाई दे रहा? वो अपने परिवार को लेकर पहले मंदिर गए हैं फिर यहाँ। अच्छी बात, नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, ये मेरी पत्नी है। नमस्ते। और ये मेरी छोटी बेटी। ये मेरी बड़ी बेटी और दामाद जी। आपकी बेटी शिरडी जाने वाली ट्रेन के एस2 कोच में है। सावित्री नमस्ते। हे भगवान। हेलो बेबी, व्हाई इज शी रनिंग अवे फ्रॉम अस? मे बी उसने हमें पहचाना नहीं बेबी। देयर इज डेफिनेटली समथिंग फिशी बेबी। यू मीन फिश करी? स्टूपिड बेबी। बेबी अरे जल्दी जल्दी करो। घबरा क्यों रही हो तुम? सती वो लोग आए हैं। कौन? उस ट्रेन में भागने वाली जोड़ी। वो लोग क्यों आए हैं, उन्हें शादी का कार्ड किसने दिया? वो लड़की दूल्हे की बहन है। तुम्हारे आगे पीछे बैड लक सांप की तरह नाच रहा है, एक तरफ ऋषि एक तरफ ये लोग। तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा? पिछली बार शिरडी गए थे, इस बार काशी जाएंगे। उन लोगों को पता चल जाएगा क्या? क्यों नहीं पता चलेगा, वो ऋषि अभी फोन करके सब बता देगा। तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। छे, ऋषि ऐसा नहीं करेगा। क्या कहा? ऋषि ऐसा नहीं करेगा, मैं उसके बारे में अच्छे से जानती हूँ। क्या हो रहा है बेबी, तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ये पागलपन छोड़ो, उसे फोन करके बताओ कि वो इसके बारे में किसी को कुछ न बताए। मेरा बहुत काम बाकी है, मैं जा रहा हूँ। सावित्री तुम्हारे भाई से शादी क्यों कर रही है जबकि ऋषि यहाँ मौजूद है? दोनों ने जबान पर ताला क्यों लगा रखा है? ये आखिर हो क्या रहा है बेबी? मैंने बोला था ना बेबी, समथिंग इज फिशी। Let's see. हाथ जोड़ने से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो मंदिर में ही घर बना लेते सब। यहाँ हाथ जोड़ने से अच्छा उधर ऋषि का पैर तोड़ दो, क्योंकि उसके कदम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। जब मैंने तुम्हारी बहन को छेड़ा था तो तुमने मुझे बहुत मारा था, पर जब वो मारेगा कोई निशान नहीं छोड़ेगा। हालात को पहले ही संभाल लो। अभी समझ में आया ब्रो, why I like Indian culture. मेरी बहन अमेरिका में पढ़ती है, इंडियन से शादी करती है, but I like you, no hard feelings. But सावित्री वो तो यहीं की लड़की है ना, रीति रिवाज फॉलो करती है वो, that is why I love Indian culture. आप तो बहुत sensitive हैं जी। Do you know me? इसे पीने के बाद I know nobody. You are funny. Yes. Funny. मजा आएगा। बॉस मेरे साले की बातों को छोड़िए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? It's my native place. छोटा सा काम था इसलिए आया हूँ। किसका फोन था ब्रो? गर्लफ्रेंड है क्या? I've been observing you. इन्होंने तो प्यार किया है, लेकिन उसे कहते क्या है नहीं पता। But by God's grace, मेरी तो अरेंज मैरिज है। But please ब्रो, तुम्हारी लव स्टोरी बताओ ना।
लव स्टोरी। कम ऑन टेल अस यार। उसकी आंखों में प्यार, बातों में गुस्सा, दोनों ही दिखता है मुझे। उसने तो इनकार कर दिया, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस यही लव स्टोरी है। बॉस, मेरी शादी को तुमने बचाया, तो क्या अपनी शादी को नहीं बचाओगे? कितनी बार कॉल किया तुम्हें, उठाया क्यों नहीं? तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, ये मुझे नहीं जानना, पर 10 मिनट में मुझे घर के पीछे मिलो। बाय। अच्छी बात है, यहाँ पर मच्छर नहीं है। दामाद जी, आप यहाँ कैसे? छोटे ससुर जी, स्मॉल पार्टी, फायर बिटवीन फील्ड्स, कम जॉइन अस। नहीं नहीं शुक्रिया, एक छोटा सा काम है। काम है? दैट इज व्हाई आई हेट इंडियन मेंटालिटी। हेलो सावित्री, कहाँ है? यही कहीं होगी जी। तेरी आंखों के सामने है कि नहीं है? नहीं है। ये अभी तक आया क्यों नहीं? सावित्री, शुक्र है आए। मुझे ना तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। मैं मधु को पहले कह चुका हूँ, वो दूल्हे को कुछ नहीं बताएगा। ये बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए नहीं बुलाया है। मुझे बहुत डर लग रहा है। सावित्री, मैं तुम्हारे सामने पी कर आया हूँ। लेकिन क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? पर अंदर जो बैठा हुआ ना तुमसे शादी करने के लिए, उससे तुम्हें डर लग रहा है, ये ठीक नहीं है सावित्री। क्योंकि तुम जान पहचान वाले हो। जान पहचान वाले से ही शादी करनी चाहिए, अनजान के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तुम इस तरह से बात करोगे ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बात करो सावित्री, मुझसे नहीं, अपने दिल से बात करो और देखो क्या जवाब मिलता है। अगर तब भी इनकार रहा तो हमेशा के लिए लौट जाऊंगा, फिर कभी नहीं आऊंगा। तुम हमेशा ये बातें क्यों करते हो? क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें ये क्या सब मजाक लगता है? माना कि मैं पी कर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे नशे के आगे कुछ नहीं है। हमारे बीच जो फासला है वो सिर्फ 2 कदम का है, और अगर ये 2 कदम तुम मेरी तरफ बढ़ा लो तो हम अलग नहीं होंगे। मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, सच कह रहा हूं, नहीं जी पाऊंगा सावित्री। अंदर जाओ, तुम अंदर जाओ। मैंने तुझे चेतावनी दी थी ना, क्यों मेरे घर की तरफ आता ना? क्यों आया, क्यों आया तू यहां? इतनी हिम्मत कि मेरा हाथ पकड़ता है? सबको पता चल जाएगा, तुम्हें अपने भाई को जवाब देना पड़ जाएगा। किस जवाब की बात कर रहा है ये? किस बारे में कह रहा है भैया? आप रुक जाइए, एक मिनट रुक, रुक जरा। और कितने सालों तक ऐसे छुपाएंगे, ये जरा अपने भाई से पूछो। किस बारे में पूछूं उसे? सर दोरा बाबूजी, इज्जत मान प्रतिष्ठा इन सबसे बड़ा होता है प्यार, लेकिन आपका छोटा भाई इन पहली 3 वैल्यूज को बचाने के लिए प्यार को मार रहा है। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं अपनी फैमिली के बारे में कितना सोचता हूँ, तू क्या जानता है? आप नहीं सर, आपकी पूरी फैमिली आपकी इज्जत बचाने के लिए बहुत सोचती है, और इसमें सबसे आगे है आपका भाई। हाँ मानता हूँ, तो वो मेरा भाई है, मेरी इज्जत बचाने के लिए सोचता है, तो उसमें बुरा क्या है? ये आपकी बड़ी बेटी है सर, शादी से पहले ये बहुत खुश थी, लेकिन शादी के बाद ये खामोश है, इसका क्या मतलब? तुझे पता नहीं है शायद, मेरी बेटी और दामाद दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। जाकर पहले अपनी बेटी से पूछ लो। दामाद जी, जरा बिटिया को बुलाना। आ, 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 आ। गायत्री, आ, आ, गायत्री, गायत्री, उसका नाम गायत्री सर,
आपके दामाद को बता दीजिए। और एक बात बता दूं, आपकी छोटी बेटी से शादी करने के लिए इस गांव के बाहर कोई 20 साल से इंतजार कर रहा है, और उसके आदमी यहां पर भी है, जिनमें से एक को मैं यहां पर मारने वाला हूं। ये रहा वो। बीस साल पहले इसी आदमी ने आपकी बहन पर बुरी नजर डाली थी सर, और इसी आदमी ने आपकी बेटी पर बुरी नजर डाली है। मैं आपकी आंखों के सामने इसे मारूंगा। ब्रह्मा ही क्यों ना आ जाए, वधु को किसी भी हालत में छोड़ना मत। देखो, तू आखिर छिप किससे रही है? तू कितनी भी कोशिश कर ले पर सच्चाई से छिप नहीं सकती। ऋषि, ऋषि ही सच्चाई है। वो घर के बाहर ही है, अंदर आना तो उसके लिए बहुत आसान है, मगर उसे यकीन है कि तू उसके लिए बाहर जाएगी। उस दिन मैं किसी से प्यार नहीं करती थी, इसलिए कहाँ जाना था पता नहीं था, इसलिए हाथ लग गई। तूने मेरे बारे में बताया वो तेरी गलती नहीं थी, गलती मेरी थी कि मुझे मंजिल का पता नहीं था। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है सावित्री, तुम्हें कहाँ जाना है ये तुम अच्छे तरह से जानती हो, लेकिन कैसे जाना है वो नहीं जानती हो। पर अड़े रहना सिर्फ अपने बारे में ही सोचना सही नहीं है सावित्री। प्यार को खोने के लिए एक मिनट काफी है, पर उसे पाने के लिए पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। अब तुझे क्या चाहिए तू खुद ही सोच ले। ये सब मैं तुझे इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो तेरे साथ ना हो। बापू दिखने में राक्षस जैसा जरूर है, लेकिन है ये बहुत सेंसिटिव। इसे मत मारो प्लीज। सुन, अगली बार कुंडली देखकर अगर किसी पे बुरी नजर डाली तो नजरें नहीं बचेंगी। सुन चाचा, समझा दे इसे। बापू 20 साल तक रुके हो, और 20 साल रुक जाओ आदत पड़ जाएगी। चलो 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 बापू चलो। आपका प्यार शादी के इस खर्चे में दिखाई देता है, और मेरा प्यार उन लोगों को मारते वक्त गया होगा। इतनी दूर आने के बाद हम चुप नहीं बैठेंगे। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं सर, जब तक उसकी शादी नहीं होती मैं यहीं रुकूंगा, चाहे वो उससे शादी करे या फिर मुझसे। वो हमेशा कंफ्यूज रहती है सर, उसे फैसला लेने में थोड़ा वक्त लगेगा। आप जाकर अपना काम कीजिए, मैं तब तक यहीं पर बैठता हूं। डैडी आओ, डैडी बैठो। अगर ये शादी तुझे मंजूर नहीं थी तो एक बार मुझसे कह देती। डैडी हाँ? उस दिन मंडप में जोर से चिल्लाकर मैं सबको बताना चाहती थी कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मैंने माँ को देखा, चाची को देखा, चाचा को देखा, ये सब। तो घर से भागी हुई लड़की वापस आ गई तो सब लोग बहुत खुश थे, तब मैंने आपको देखा। मेरी बड़ी बेटी की शादी हो रही है इसलिए आप सर उठाकर गर्व से खड़े थे, तो मैंने अपना सर झुकाया। मेरे बारे में आप लोग इतना ज्यादा मत सोचिए, मुझे एडजस्ट करना आता है, इसलिए आज नहीं तो कल मैं अपने पति से मिल जाऊंगी। लेकिन आप छोटी के बारे में सोचिए।
मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। हे कृष्णा, दुख और सुख के बीच ज्यादा फासला नहीं होता। मुझे सुख देने की तूने कोशिश की और तूने मेरी बेटी को दुखी कर दिया। ए, इस घर वालों को क्या चाहिए वो उससे ज्यादा तुझे पता है, तू उन्हें दे। सावित्री, सावित्री, सावित्री! दरवाजा बंद करके बैठी है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है, चल। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? चल। क्या हुआ बेटी, टाइम हो रहा है, मुहूर्त निकल जाएगा। आप सब लोगों के बुलाने के बावजूद मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे? सावित्री को तो शादी करना बहुत पसंद है ना, तो फिर उस फोटो में जो खुशी है वो आज मेरे चेहरे पर क्यों नहीं? शादी से पहले हर लड़की इसी तरह डरती है। मैं डर नहीं रही हूँ बाबा, गुस्से में हूँ। वो कौन है पापा जो आपसे ऐसे बात करके बाहर मेरे इंतजार में बैठा हुआ है? कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मैं शादी से इनकार कर दूंगी और उसे पूरा यकीन है कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। आप लोग मुझसे प्यार करते हो ना, मेरे बारे में आप सब सोचते हो ना, फिर सिर्फ उसी ने कैसे जाना कि मेरे दिल में क्या चल रहा है? शायद हर लड़की ऐसी ही होती है, जो हालात से लड़े वो खुश रहती है और जो ना लड़ पाए वो दुखी रहती है। उसने मुझे समझ लिया है पापा। दीदी की शादी के वक्त मैंने बहुत गलत किया, अब वो गलती नहीं दोहराना चाहती। हर घर में एक लड़की रहती है, हम उसे नहीं समझ पाते। इस बात का एहसास मुझे आज हुआ, कैसा नासमझ बाप हूं मैं। गायत्री शादी के दिन मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पाई। ये बेटी की नहीं बाप की हार थी। उस लड़के ने डांट सह लिया, मार सह लिया, इससे उसके प्यार का अंदाजा लगाया जा सकता है। तेरी दीदी के समय मुझसे गलती हुई है लेकिन वो अनजाने में हुई। आज मैं वो गलती नहीं दोहराने वाला। अरे वो तुझे मिला कहां था ये तो बता। हाँ हम सब का परिचय उसने हम सब से करवा दिया। अगर ऐसे ही सोते रहोगे तो शादी हो जाएगी। अंदर तुमने तूफान मचा रखा है और यहाँ आराम से सो रहे हो। बाहर जाके सो जाऊं? ए उठो, हटो यहाँ से। चलो यार, आज के बाद ये जगह मेरी है। एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? यही बाकी था। व्हाट इज दिस सीक्रेट गॉसिप मीटिंग गोइंग ऑन? For the past one hour, I'm waiting at the mandap. I'm getting bored. You know how many mosquitoes have bitten me? Huh? Oh, dulhan bhag gayi hai na? Why do you always need NRI relations? You can go local, local. Typical Indian matrimonial. Chh. One more NRI gone into the drain, huh? What to say, oldie? You spent so much for this kurta, huh? But all waste. Typical old murmuring. Get out! Hehehehe